अब किसी भी किस्म के राजनीतिक संशय के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। अखिलेश यादव ने बाकायदा मुनादी पीट कर बता दिया है सूबे और देश की जनता को कि उन्हें नहीं चाहिए मुलायम सिंह यादव का नाम और उनके ब्रांड की पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव के दफ्तर ने एक नया पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च किया है, एक वीडियो लॉन्च किया है, जिस पर उनकी राजनीतिक इबारत, उनकी आगे की रणनीति के फुटप्रिंट साफ नजर आ रहे हैं। क्या है इस वीडियो में? वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश और डिंपल यादव नजर आते हैं, उनके तीनों बच्चे अदिति, अर्जुन और टीना नजर आते हैं, और दूसरे राजनीतिक प्रतीक चिन्ह के तौर पर सिर्फ एक तस्वीर नजर आती है, और ये तस्वीर अखिलेश के पिता, सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है उन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जिन्होंने इस देश में वंशवाद के खिलाफ सबसे इंकलाबी तेवरों के साथ झंडा बुलंद किया था। ये वही डॉक्टर लोहिया हैं जिनका चेला बनने का दावा तो मुलायम सिंह बहुत करते हैं, लेकिन उन्हीं के तमाम सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश में परिवारवाद की ऐसी बेल को रोपा है मुलायम सिंह यादव ने कि जिसकी नजीर आजाद भारत में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं भी मिलना मुमकिन नहीं है। और क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में अखिलेश यादव की एक पारिवारिक इमेज है। अभी तक ये सिर्फ गांधी परिवार के साथ होता रहा है कि उनके परिवार के सभी सदस्यों की पब्लिक स्क्रूटनी होती थी, उनकी तस्वीरें बाहर आती थी, वो क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, उनके सामाजिक सरोकार क्या हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पूरे परिवार की सब सिमतों को खोल कर रख दिया है। अखिलेश नजर आते हैं, उनकी पत्नी डिंपल नजर आती हैं, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा है, गार्डन में साथ में वक्त बिता रहा है, अखिलेश अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और इन सब के बीच अपनी सारी सरकारी जिम्मेदारियों को, प्रशासनिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खास चीज है इस एड में कि पहली बार जनता को कैमरे के जरिए सत्ता और ताकत के गर्भगृह में प्रवेश दिलवाया गया है। मुख्यमंत्री का ऑफिस कैसे काम करता है, सचिवालय कैसे काम करता है, मुख्यमंत्री के आवास की क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, वीडियो में नजर आता है। लोग इसके लिए तमाम लोगों को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव जॉर्डिंग का जिक्र आ रहा है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा 2007 बैच के एक आईएएस ऑफिसर जीएस नवीन कुमार का, जो अखिलेश यादव की नए सिरे से ब्रांडिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा संदेश जो इस वीडियो में छिपा है वो ये है कि एक तरफ परिवार सत्ता की कलह में जूझ रहा है, वहीं अखिलेश अपने आप को शहीद बताने के लिए, अपने आप को एकला चलो का सिपाही बताने के लिए इस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिसमें आखिरी में पंच लाइन आती है कि मेरा परिवार उत्तर प्रदेश है। असल में अखिलेश का परिवार क्या है, कौन है वो लोग जो अखिलेश के साथ हैं? सबसे पहले अखिलेश की पत्नी डिंपल, कर्नल रावत की बेटी, पुणे में पैदाइश, लखनऊ में कॉलेज करने के दौरान अखिलेश से मुलाकात हुई, और जो अमर सिंह, जिनको आजकल अखिलेश दलाल कहते हैं, उन्हीं के कहने पर साल 2010 में पहली बार डिंपल को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। सीट थी फिरोजाबाद की, यहां से अखिलेश 2009 में चुनाव जीते थे। उसी बरस अखिलेश उन्हीं चुनावों में कन्नौज से भी जीते थे, फिरोजाबाद की सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डिंपल चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस ने ट्रंप कार्ड फेंका और राज बब्बर को, जो आगरा के कद्दावर नेता थे और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैदान में उतार दिया। राज बब्बर ने डिंपल यादव को 85,000 वोटों से हराया। अंदर खाने की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि उस शाम डिंपल बहुत रोई और अखिलेश ने सियासत का पहला कड़वा सबक हासिल किया और तय कर लिया कि पापा के इस दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना है। डिंपल को अपना सबब हासिल हुआ 2012 में, जब अखिलेश ने कन्नौज की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया, सूबे के मुख्यमंत्री बने, तो डिंपल यादव ने कन्नौज के उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। और देखिए सत्ता का रसूख, बाहुबल का एक नया उदाहरण कि किसी और पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा दाखिल नहीं हुआ, जिनके दाखिल हुए वो खारिज हो गए, और आजाद भारत का एक और नया नमूना कि डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध लोकसभा की सांसद चुनी गई। हालांकि यूपी में सपा की मिट्टी खिसक रही है, इसकी बानगी 2014 में दिखाई दी, जब उसी कन्नौज लोकसभा सीट से जहां से अखिलेश भैया टीपू 1.25-1.5 लाख वोटों के अंतर से जीतते थे, वहां से डिंपल यादव बीजेपी के सुब्रत पाठक से किसी तरह, हर तरह के मुमकिन संसाधनों का इस्तेमाल करके सिर्फ 20,000 वोटों से चुनाव जीत पाई। लेकिन जीत तो जीत होती है, और अखिलेश को नजर आ रहा है एक साथी जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम कदम उठाए हैं। 1090 की वुमेन हेल्पलाइन की बार बार बात हो रही है,
पूरे इस प्रचार वीडियो में भी युवाओं पर बहुत ज्यादा जोर है। बार बार अखिलेश उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको लैपटॉप दे रहे हैं, सहायता के लिए चेक दे रहे हैं, वजीफे बांट रहे हैं और सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब नेताजी कैसे देते हैं, या कि उनके पास कोई जवाब बचा ही नहीं है, बची है तो बस बौखलाहट और चुप्पी जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही है। dilalandop.com पर सियासत के कुछ और किस्सों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।